रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भैसा झार की खुर्द बैचाली में एक अनोखा मामला सामने आया। बकरे की हत्या कर घर के पटाव में छुपाया थाना रतनपुर थाना क्षेत्र के बचारी खुर्द ग्राम पंचायत भैसा झार का मामला। पीड़ित परदेशी राम ने सरपंच के ड्राइवर पर लगाया बकरे की चोरी कर हत्या करने का आरोप। बकरा मालिक मुआवजे की जगह आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कर रहा है मांग। मृत बकरे को लेकर पहुंचा थाना प्रार्थी परदेशी राम मरकाम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके ही गांव का उमाशंकर राजपूत द्वारा उनके बकरे की गर्दन मरोड़ कर हत्या कर घर के पटाव में छुपा दिया गया था, जिस पर रतनपुर थाना प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रतनपुर से ताहिर अली की रिपोर्ट। किसी किसान ले आए एक बजे डेढ़ बजे मोला बताए लड़का मन के बाबू के बकरा खत्म हो गए तो मैं आए खेत ले तो मो लड़का मन बोली इनके बाबू खत्म हो गए तो मैं आए खेत ले तो इमन कैसे चल बाबू देख ले कहीं तो मैं गेहूँ पूरा लहाज होकर पड़े रहा विटंगरा में पड़े रहा तो मोला बोली कि देख ले बाबू कहीं तो मैं देखे गेहूँ तो पूरा लहाज पड़े रहा तो मैं चुपे चाप आ गई। मोर दू झा लड़का कौन मारिन बेटा कहें तो कहीं दे मारिन दे बारिन कहीं बताइन मो लड़का मन कौन मारिन बेटा कहीं तो उमा शंकर राजपूत के नाव लेन तो कौन बेटा कहते तो नाव लेन राजपूत उमा शंकर राजपूत नाव लेन हाँ पटाव मरी से तो लड़का मन बता से मोर पटाव मरी से बात खींच के निकालन बाबू के ही हाओ हाँ मुर्जरी से वो तो लड़का बैठे है खड़े है दोनों बेटा है बोला खींच के निकाल के फिर बोला देखी ओकर बाद छोड़ छाड़ के आ गए और बृजभान ठाकुर के उमा घर में। परदेशी राम मरकाम के द्वारा एक थाना रतनपुर में एक शिकायत दी गई है कि उसके बकरे की गांव के ही कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई है करके, जिस पर प्रार्थी की शिकायत पर 429 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी से बयान कर पूछताछ किया गया है और जांच में उमा शंकर राजपूत के विरुद्ध अपराध कारित करना पाया गया है, जिस पर से उमा शंकर राजपूत को गिरफ्तार किया गया है। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है जो अभी घटना कारित करने से फरार है। कौन कौन से धारा लगाया गया 429 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।